जानना चाहेंगे सभी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी के लिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि भगवान विष्णु और भगवान शिव के एक एक का प्रतीक है, एकाकार होने का प्रतीक है भगवान विष्णु और भगवान शिव। प्राचीन मतानुसार एक बार भगवान विष्णु जी काशी में भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प चढ़ाने का संकल्प करते हैं। भगवान विष्णु जो हैं भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प चढ़ाने का संकल्प करते हैं, और जब अनुष्ठान का समय आता है तब भगवान शिव जो हैं भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए वो 1000 जो स्वर्ण कमल थे उसमें से एक पुष्प कम कर देते हैं, हटा देते हैं। संकल्प भगवान ने ले लिया और संकल्प पूरा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पुष्प कम होने पर जब भगवान विष्णु को पता पड़ा कि एक पुष्प कम हो गया है और मैंने तो संकल्प ले लिया है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, देखिए भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं, तो पुष्प कम होने पर भगवान विष्णु ने अपने कमल नयन नाम और पुंडरीकाक्ष नाम को स्मरण करके अपना एक नेत्र चढ़ाने को तैयार हो जाते, अपनी एक आंख को कमल के रूप में, क्योंकि भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है, मतलब उनकी जो आंखें हैं वो कमल के समान है, पुंडरीकाक्ष उसका दूसरा नाम है। तो अपने आंख को एक आंख को भगवान शिव को चढ़ाने को तत्पर हो जाते हैं। भगवान शिव उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपके स्वरूप वाली कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। भगवान शिव इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं, तो यह अद्भुत महिमा बताई गई है शास्त्रों में, इसका महत्व बताया गया है कि क्यों वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करना। यदि आप दुर्भाग्य से पीड़ित हैं, यदि आप दरिद्रता से पीड़ित हैं, यदि आप संतानहीनता से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि आपकी संतान जो है कुमार्ग पर चलती जा रही है, आपको लगता है कि आपसे जाने अनजाने में बड़े पाप हो गए हैं, बड़े दुष्कर्म हो गए हैं, ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये भोग के साथ साथ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मिला है, इसीलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप अपने मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता खोल सकते हैं, आप अपने दुखों का अंत कर सकते हैं, आप अपने पापों का अंत कर सकते हैं।